राजनगरी में पड़ रही भीषण सर्दी के कारण फुटपाथ पर कपड़े बेच रहे फड़वालों की चांदी कट रही है। बची कुची कसर जारी, उन्होंने पूरी करते हुए गर्म जैकेट स्वेटर की बिक्री में चार चांद लगाते हुए आग में घी डालने जैसा काम किया है। इस समय जायरीनों का कोठी मीना बाजार मैदान में मेला लग गया है। सर्दी बढ़ने के बाद सड़क के किनारे फुटपाथ पर गर्म कपड़े बेचने वालों की तादाद बढ़ जाती है और ऐसा ही कुछ नज़ारा इस समय दिखाई दे रहा है कोठी मीना बाजार के पास में। आप देखें यहाँ पर किस तरह से लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर स्वेटर और जैकेट की काफ़ी ज़्यादा भरमार है, लोग खूब ख़रीदारी कर रहे हैं यहाँ पर। चूँकि सर्दी बढ़ी तो दुकानदारों के भी चेहरे खिले। अब ये लोगों से ज़रा थोड़ा सा पहले हम दो साइड दिखाते हैं आपको, इस तरफ भी दिखाएं इकबाल, इधर भी देखिए आप, पूरा ये पूरा फुटपाथ जो पूरा सजा पड़ा हुआ है, यानी कि ग्राहक भले नहीं हो इस साइड में, लेकिन इधर जो है काफ़ी ज़्यादा रंग बिरंगी कलरफुल जैकेट स्वेटर इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं और देखते जाए खरीद के जा रहे हैं। इनकी क्या क्या कहना भैया, आप दुकान पर नहीं जाते हो खरीदने के लिए शोरूम वगैरह में? नहीं नहीं, शोरूम पे भी जाते हैं, लेकिन इस जगह सेल लगी है तो सेल के द्वारा लिया जा रहा है। अच्छा, सो इस जगह की चीज़ सही निकलती है। अच्छा, सर्दी हो रही है कि नहीं हो रही है भैया? सर्दी है भाई साहब, इसी मारे तो ले जा रहे हैं जैकेट। सर्दी कुछ ज़्यादा ही लग रही है आपको? लग रहा है ज़्यादा लग रही है, इसी मारे लिए जैकेट। यहाँ सस्ता मिल जाता है क्या? नहीं सस्ता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, जो मार्केट में है वही इस जगह चीज़ वही रेट है, रेट में कोई फर्क नहीं, लेकिन बढ़िया चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। जगह अच्छी चीज़ बता रहे हैं, यहाँ पर मिल जाता है सड़क पर, और भी तमाम लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। ज़रा उनसे भी देखते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या कहना है इस तरह के जैकेट के बारे में। भाई तो ख़रीदने आए हो क्या? अच्छा, जर्सी की क्या खरीद रहे हो? खरीदने आए हैं जर्सी। अच्छा, जर्सी खरीद रहे हो तो शोरूम में क्यों नहीं जाते हो? शोरूम पे महंगी मिलती है, शोरूम पे महंगी मिलती है। अच्छा, और यहाँ पर सस्ती मिल जाती है। अच्छा, कितना सस्ता फर्क मानते हैं? मैं शोरूम से लेके आता हूँ 1200 रुपए की, 500 रुपए की पड़ी है मुझे, मैंने लिया इसे सामने से ली थी। अच्छा, तो कपड़े में तो फर्क होगा भाई कुछ? हाँ, कपड़े में भी फर्क है। फर्क है तो यहाँ से काम चल जाता है? हाँ चल जाता है, मगर अच्छा सर्दी बढ़ गई काफी। हाँ, कान वान तो बने नहीं तुम्हारे यहाँ? सर्दी कहाँ बड़ी है? कान वान नहीं है, टोपा लगाया हुआ था, कान दुख गए थे मेरे। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है देखिए लोगों का कहना है, और यही वजह कि यहाँ पर लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। भैया क्या लेने आए हो? सर जैकेट लेने आए हैं। सर जैकेट लेने आए हो? जी सर। तो आप यहाँ से क्यों खरीद रहे हो, दुकानों से क्यों नहीं खरीदते आप लोग? चीप है, सस्ता है, बढ़िया है। शोरूम पर महंगा मिलता है? बिल्कुल सर, डबल हो जाता है। लगभग कितना मानते हैं आप? अब ये शोरूम पर आप किसी भी, मैं तो नाम नहीं लूँगा, बट 2500-3000 से कम नहीं मिलेगा। अच्छा, तो इस कपड़े में फ़र्क तो होगा थोड़ा बहुत? फ़र्क क्या सर, चीज़ यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है बस, ये फ़र्क है और कुछ नहीं है। अच्छा, और यहाँ से काम चल जाता है? हाँ बिल्कुल सर। तो आप देखें यहाँ पर अच्छे कलर की जैकेट है, देखिए आप ये देख रहे हैं आप, अच्छा अच्छा अच्छी सी जैकेट है। आप देखिए कितने सारे कलरफुल ड्रेसफुल, ये नए मॉडल में कुछ आई है इस बार, थोड़ा सा जो सीडी मॉडल में है ये, जैसे कि सिलाई हो रही बीच में सी है, इस तरह की है। तो सर्दी जैसे बढ़ी लोगों के चेहरे खिल गए, दुकानदारों के चेहरे खिल गए, जब जैसे धूप निकलती है तो इनके थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है इनके लिए इस बात की कि अब पता नहीं बिक्री होगी कि नहीं होगी, लेकिन जैसे सर्दी बढ़ती है सो ही माल का जो आने की जो आना है वो काफ़ी मात्रा में आ जाता है। यही वजह है कि आजकल देख रहे हैं आप जो है सर्दी कई दिनों से पड़ रही है, तो यहाँ पर अब जो है भरमार है पूरी जैकेट का और स्वेटर की। कैमरा पर्सन इकबाल साथ विनोद जूनियर, सी न्यूज आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।